अध्यक्ष महोदय, आईटी ट्रिब्यूनल नागपुर ने एक हिंदू विरोधी फैसला भी दिया है। महोदय, ये नागपुर की स्थानीय शिव मंदिर देवस्थान पंच कमेटी ने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका के तहत उन्होंने धर्मस्थलों को मिलने वाली आयकर में छूट के बारे में वहां पर लिखा था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनकी याचिका को खारिज की। इसमें उन्होंने ये बात कही है कि भगवान शिव की पूजा को उन्होंने भगवान शिव माता दुर्गा हनुमान जी की पूजा को उन्होंने धार्मिक कार्य मानने या धार्मिक कार्य का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। महोदय, एक सिलसिला सा बन चुका है कि जिसकी मर्जी आती है वह भारत की मूल परंपरा और धार्मिक परंपरा के प्रति इस प्रकार की अनलगन टिप्पणी करता है। महोदय, सनातन हिंदू धर्म के अंदर अनेक उपासना पद्धतियां हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, तांत्रिक परंपरा है, अलग अलग परंपरा है, फिर किसी ट्रिब्यूनल को किसी भी धार्मिक या उपासना पद्धति के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करने का क्या अधिकार है कि वह भारत के अंदर केवल इनकम टैक्स की आयकर की छूट का लाभ केवल किसी एक मजहब विशेष को मिले, इस प्रकार का आग्रह करना भारत के पंथ निरपेक्ष व्यवस्था पर सीधे सीधे प्रहार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि आईटी ट्रिब्यूनल नागपुर के द्वारा जो भारत की सनातन हिंदू वैदिक परंपरा के उपास्य देवी देवताओं के प्रति जिस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसके लिए उन्हें तलब किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं अनुरोध करूंगा कि हिंदू धर्म स्थलों को भी उसी प्रकार की सुविधा दी जाए जैसे अन्य मत मजहब और उपासना विधि के लोगों को पूरे देश के अंदर प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।